हेलो मिस्टर से बात कर सकता हूँ मैं? जी दिल से बोल रहा हूँ। आपने वॉशिंग मशीन ली थी सर? हाँ बताइए। मैंने आपको इसलिए कॉल किया सर, वो हमारा 5% का जो कैशबैक चल रहा था। आपने बोला था मुझसे कि 5% कैशबैक आएगा मेरे अकाउंट में, बट अभी तक तो कोई अमाउंट नहीं आया मेरे। नहीं सर, मैंने इसलिए कॉल किया आपको कि सर वो 5% कैशबैक नहीं हो पाएगा सर। मतलब सर वो मिल नहीं पाएगा सर वो 5%। पागल आदमी हो क्या? फोन किया है आपने ये बात करने के लिए? आई एम सॉरी सर, बोलने के लिए आपने फोन किया है? 5% की मेरी बात हुई है, 5% दो। सर आई एम सॉरी सर, नहीं दे पाएगी कंपनी सर। पागल हो गए क्या? कैसे नहीं दे पाओगे यार, जो तुमने मेरी मतलब वादा किया है, तुमने 5% कैश बैक लिखा हुआ है आपके टर्म्स एंड कंडीशन में, मेरे अकाउंट में आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया है। किसने लिखा है सर? आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ, आपके मैनेजर से बात कराइए। नहीं आप सर, किसने लिखा है सर? अरे यार तुम्हारी कंपनी ने लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन। सर कितनी फिक्र है ना आपको। अरे क्यों ना हो यार फिक्र, जो बोला है टर्म्स एंड कंडीशन में तुम्हारे लिखा है सारी चीजें, तुम्हें जो दुनिया में लिख दी गई हैं उसकी इतनी फिक्र है आपको? बात करवाओ अपनी। सर आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आपकी सबसे बात कराऊंगा। बात कराइए मेरी मैनेजर से, बात कराइए मेरी। 5% जो टर्म्स एंड कंडीशन दुनिया में लिखी गई है, कंपनी ने लिखी है, उसको कितना मान रहे हैं आप? मानना क्या है, वो उसमें लिखा है आपकी कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन, 5% कैश बैक मिलेगा आपको। और जो कुरान में लिखा हुआ है 2.5% ज़कात, उसका बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं हम। पूरे साल की कमाई की सेविंग पे 2.5% जकात, 2.5% जकात हर मुसलमान को देनी है। इन टर्म्स एंड कंडीशंस की जरा सी फिक्र नहीं है हमें। जरा सा 5% जो कि दुनिया की कंपनी ने उसूल बनाया है ना, जिसमें लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशंस में कि आप अगर वॉशिंग मशीन लेते हैं तो 5% कैशबैक मिल जाएगा आपको, और आप इंतजार कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, जो लोग मुस्तहिक हैं, जो लोग परेशान हैं, जो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि किसी की सिर्फ 2.5% जकात निकलेगी तो हमारा पेट भर जाएगा, जब 2.5% जकात निकलेगी तो किसी का इलाज हो जाएगा, जब 2.5% जकात निकलेगी तो किसी की तकलीफ दूर हो जाएगी, जब 2.5% जकात निकलेगी तो कोई बाप फिक्र से खत्म नहीं होगा कि उसकी बेटियों की शादी कैसे होगी। मैं माजरत चाहूंगा, मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, समझाने का तरीका यह है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसे समझ में आ जाए आपके। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं मोहब्बत में, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। आप 2% जकात जो सब पे फर्ज है, ये कंडीशन है हमारे इस्लाम की कि कोई इंसान अगर कमाने के लायक है और कमा के उसने पैसा जमा किया है तो पूरे साल की सेविंग पे 2.5% जकात, सिर्फ 2.5%। किस तरह हम दुनिया की टर्म्स एंड कंडीशंस में लगे हुए हैं, किस तरह हम 5% की तरफ लालच से देख रहे हैं कि उन लोगों के 2% का हमें ख्याल ही नहीं है जो लोग मुस्तहिक हैं, जिनको जरूरत है जकात की। मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि आपको अल्लाह मियां इस लायक बनाएं, इतना पैसा कमाएं आप, इतना पैसा कमाएं कि हजारों लोगों की आप मदद कर सकें, हजारों लोगों की तकलीफ दूर कर सकें। मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि जिन लोगों को जकात देनी होती है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फिक्र में आ जाते हैं, बजाय इसके कि फिक्र करें जकात देनी है, खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है हमें कि किसी को जकात दे सकें। मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मैंने आपसे ऐसे बात करी और इस तरह समझाया मैंने आपको। माफी तो मैं मांगना चाहूंगा अल्लाह ताला से। आप रोजे रख रहे हैं, अल्लाह ताला आपके रोजे को कबूल करे। आप नमाजें पढ़ रहे हैं, आपकी नमाजों को कबूल करे। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो इसका अजर सिर्फ हमें मिलेगा, लेकिन अगर जकात नहीं दे रहे तो न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका जवाब देना पड़ेगा हमें कि वो भूखे सो गए शायद, वो तकलीफ में सो गए शायद, वो बाप परेशानी से खत्म हो गए कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जरा सी भी मोहब्बत मुझसे करते हैं, प्लीज इस बात पे सोचा करिए कि जिस चीज की फिक्र कर लेते ना हम कि हमें जकात देनी पड़ेगी, हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस लायक बनाया कि हम जकात दे सकें। आप भी दुआ करिएगा कि सबको सबको अल्लाह ताला तौफीक दे जकात पूरी अदा करने की, इंशाल्लाह। मैं भी जजाकल्ला दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।